सबसे पहले रोटी को फ्राई करेंगे, इसके बाद छोटे टुकड़े में कट कर देंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस ऑन करना है और बिना तवी के इसे पकाना है। पकाने के बाद आप ऐसे भी खा सकते, बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसका तड़का लगा कर भी आप खा सकते, बहुत ही बढ़िया लगता है। आज की जो टिप्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाले। सबसे पहले हम लहसुन की कलियों को इस तरह से अलग कर लेंगे। इसके बाद हम कुकर में पानी डालेंगे, पानी उबल जाए इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। एक कटोरी लेंगे, उसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे और जो हमने कुकर में पानी उबाला है इसमें रख देंगे। 15 मिनट के बाद अगर आप छिलके निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएंगे। क्या आपने कभी भिंडी में नींबू डालकर गरम किया है? नहीं ना, एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जब भी हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस या आमचूर पाउडर डालिएगा, ऐसा करने से वो चिपचिपे नहीं बनते, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आमचूर पाउडर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाय।